ओके, गुड इवनिंग क्लास। नाउ वी डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। जैसे लिखा है कंडक्टर, कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच जिसमें करंट का फ्लो इजली हो उनको बोलते हैं कंडक्टर, और जिसमें करंट का फ्लो हो ही ना उसको बोलते हैं इंसुलेटर। और इन दोनों के बीच एक होता है जिसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ना तो ये कंडक्टर होता है और ना ही ये इंसुलेटर होता है, मगर इसको थोड़ी सी एनर्जी अगर दे दे तो ये कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने लगता है। क्लियर हो गई चीज? तो सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर की होती है, और सबसे कम जो होती है वो इंसुलेटर की होती है, और इन दोनों के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ओके, अब एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगी? जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है सेमी कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर की, और सबसे ज्यादा जो रेजिस्टिविटी होती है वो इंसुलेटर की होती है। सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी? कंडक्टर की। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी? इंसुलेटर की। और इनके बीच जो होती है रेजिस्टिविटी वो होती है सेमी कंडक्टर की। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है इनर्जी बैंड। इनर्जी बैंड क्या होता है? रेंज ऑफ इनर्जी पोजिस्ड बाई फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ मटेरियल। ओके, जो रेंज ऑफ इनर्जी होती है पोजिस्ड बाई फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की उसको बोलते हैं इनर्जी बैंड। ये अभी समझ में आएगा क्या होता है। जैसे बैलेंस बैंड, द रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते क्या हैं इसको समझो। यहां से क्या होते हैं बैलेंस बैंड? ये न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके आसपास क्या होता है ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में कौन पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो रिवॉल्व करते हैं। ये हाइयर ऑर्बिट हो गया, ये लोअर ऑर्बिट हो गया। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। अब क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन को, मतलब जब इस एटम को एनर्जी देते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। कहां जाएगा? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। और जब हायर ऑर्बिट में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोलते हैं कंडक्शन, सॉरी बैलेंस बैंड। उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बैंड बोलते हैं। और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर हो गई जी? जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड। यही लिखा है इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। ओके, कंडक्शन बैंड क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है। और बैलेंस बैंड क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है। एक चीज और इसमें, अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है तो कंडक्शन बैंड में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो इसलिए बैलेंस बैंड में क्या पाए जाएंगे? होल्स। और इन्हीं के बिहाव पे हम लोग जो है इनको कंडक्टर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे। ये बैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। इनके इंसुलेटर में क्या होता है? इनके बीच जो ये गैप होता है इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, और ये सबसे ज्यादा होता है। इसमें सबसे ज्यादा होता है इंसुलेटर में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते, और इलेक्ट्रॉन जब जा नहीं जा पाएंगे तो वहां करंट का फ्लो नहीं होगा, और या कंडक्टिविटी ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो कंडक्टर ही नहीं होगा, कंडक्टर की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। जैसे सेमी कंडक्टर हो गया, इनके बीच बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गेप होता है वो स्मॉल होता है। तो क्या होता है, इनको थोड़ी सी एनर्जी दे देते हैं तो ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है? कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, इसलिए कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने लगता है। और कंडक्टर क्या होते हैं? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये ओवरलेप करते हैं, और जब ओवरलेप करेंगे तो आवागमन इनका अच्छा रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? यहां से यहां जा सकते हैं, आसानी से जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, कंडक्टर में जो
कंडक्टर की तरीके से बिहेव करते हैं, इसलिए कंडक्टर में करंट का फ्लो इजिली हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होते, कितने टाइप के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? द सेमीकंडक्टर इन इट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है? ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इसमें कोई भी इंप्योरिटी एड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे जर्मेनियम हो गया और सिलिकन हो गया, चाहे सारे जर्मेनियम के एटम ले लो चाहे सारे सिलिकन के एटम ले लो, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। क्लियर? अब यहां लिखा है ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। जर्मेनियम कैसे बना? यहां देखो, जर्मेनियम ये, जर्मेनियम ये, जर्मेनियम ये और ये भी जर्मेनियम, तो सारे जर्मेनियम है। जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चार होते हैं। और जब चार इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, और जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पे इसको सोचते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखो इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो क्या करेगा? ये वाला जर्मेनियम इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका ये वाला जर्मेनियम इस वाले का करेगा, ये वाला जर्मेनियम इस वाले का करेगा, ये वाला इस वाले का करेगा, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? कोई भी चीज शेयरिंग से बनाते हैं तो वीक होती है, इसलिए ये वीक बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे कैसे होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। क्लियर? अब यहां देखते हैं ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। क्या है? थर्मल एजिटेशन, फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन जर्मेनियम एटम्स आर ब्रोकन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर। फिर देखो यहां, जब हमारा एक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड एक ब्रेक होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बनता है और होल्स भी बनते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल्स बनेंगे, इसलिए इसमें क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर दिन देयर फॉर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हो गई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं, और इंप्योरिटी किसमें ऐड करोगे? प्योर सेमीकंडक्टर में। लिखा है व्हेन सम इंप्योरिटी इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर द न्यू सेमीकंडक्टर व्हिच इज फॉर्म इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, क्या होगा कि जब कुछ इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं किसमें? प्योर सेमीकंडक्टर में, तो जो न्यू सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं डोपिंग, और जो इंप्योरिटी होती है उसको बोलते हैं डोपेंट। समझ गए? जो मटेरियल होता है जिसको ऐड करते हैं, और जो प्रोसेस होता है ऐड करने का उसको डोपिंग बोलते हैं। यही लिखा है डोपिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। उसके बाद नॉर्मल डोपिंग क्या होती है? 10^5 जर्मेनियम एटम में एक एटम किसका मिलाते हैं? इंप्योरिटी का। इतनी चीज क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद आते हैं कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होंगे? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो तरीके होते हैं, मतलब टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे? पहले पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट का मतलब क्या है? जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको किसमें ऐड करेंगे? प्योर सेमीकंडक्टर में, द न्यू सेमीकंडक्टर व्हिच इज फॉर्म इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो क्या है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो किसमें है? इसमें,
जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, हमने क्या किया आर्सेनिक को ऐड किया। आर्सेनिक क्या करेगा इस जर्मेनियम एटम से, जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा और इधर, तो कितने बॉन्ड बना लेगा 4 बॉन्ड, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। यह ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। ओके, और जब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं, डोनर एटम। इतनी चीजें समझ गए कि जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है, और जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बचता है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, और जो क्या कर सकता है एस डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर एटम। एन टाइप समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी सच एज आर्सेनिक इज एडेड टू अ प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर द आर्सेनिक एस फ्रॉम 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद जर्मेनियम एटम, वाइल जर्मेनियम एटम से क्या करता है 4 बॉन्ड बना लेता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बचा है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, फिर विच इज लूजली बाउंड अटैच टू एस, जो किससे अटैच होता है आर्सेनिक से। इन सच सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटिंग 2 टाइप, कितने टाइप से इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, 2 तरीके से। पहला है एडिंग इम्प्योरिटी, जब एडिंग इम्प्योरिटी करते हैं, एड करते हैं इम्प्योरिटी को, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन बचता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन जर्मेनियम और जर्मेनियम एटम। जर्मेनियम जर्मेनियम का मतलब ये जो बना है इनके बाद बीच में जो बॉन्ड बना है, यहाँ से क्या होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और होल्स भी बनेंगे, तो यहाँ इसका ये इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है। और दूसरा एडिंग इम्प्योरिटी से, तो इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, 2 तरीके से, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन जर्मेनियम एंड जर्मेनियम एटम, और दूसरा एडिंग इम्प्योरिटी। फिर होल्स आर क्रिएट ओनली 1 प्रोसेस, होल्स कितने तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, ओनली 1 प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में, उसकी वजह से। तो होल्स कितने तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, सिर्फ 1 प्रोसेस से, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी जो बताया। देयरफॉर देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब जो 2 तरीके से क्रिएट हो रहे हैं तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की, और जब इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो मेजोरिटी में होंगे, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, एन नेगेटिव का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गई चीज, क्या होगा जब हम पी टाइप अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, टी एन टाइप, सॉरी एन टाइप पूछे तो क्या लिखेंगे, व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे आर्सेनिक है जब ऐड करते हैं तो क्या करता है आर्सेनिक 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है जर्मेनियम एटम से, इसका 5th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली अटैच होता है आर्सेनिक से, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरीके से क्रिएट होते हैं, बाय एडिंग इम्प्योरिटी और ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन जर्मेनियम एंड जर्मेनियम एटम। और क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, एन नेगेटिव का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। उसके बाद आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्या होता है, व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो इन इट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एडेड टू अ प्योर, एड किस में करोगे, प्योर में ही करोगे, तो प्योर सेमीकंडक्टर। द न्यू सेमीकंडक्टर विच इज फॉर्म इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां देखो, जब हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, जैसे एल्युमिनियम हो गया, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है गैस है, इसीलिए उसको ऐड रख नहीं सकते हम, यहाँ पे सोलिड स्टेट इलेक्ट्रिक डिवाइस पढ़ते हैं तो सोलिड ही ऐड करेंगे। जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो क्या करेगा ये जर्मेनियम इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, ये इसका शेयर कर लेगा, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। मगर ये जो बचा है ये बॉन्ड, ये जर्मेनियम का ये जो इलेक्ट्रॉन बनेगा इसके पास शेयरिंग के लिए है ही नहीं, तो जब है नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है उसी को बोलते हैं होल्स। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, होल्स क्रिएट होगा, समझ गए। उसके बाद देखो क्या है, व्हेन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सच एज एल्युमिनियम इज एडेड टू अ प्योर सेमी जर्मेनियम कंडक्टर, किसमें ऐड करते हैं,
प्योर जर्मेनियम कंडक्टर में ऐड करते हैं। कंडक्टर द एल्युमिनियम थ्री कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन जर्मेनियम जर्मेनियम, देखो तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इससे एक ये बॉन्ड हो जाएगा, एक ये हो जाएगा शेयरिंग से, तीसरा ये हो जाएगा, तीन बॉन्ड बना लेगा, थ्री बॉन्ड्स विद जर्मेनियम। व्हाइल इज देयर आर ए डिफिशिएंसी ऑन वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट टू फोर्थ बॉन्ड, क्या होगा, ये जो फोर्थ बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास डिफिशियंसी रह गई इलेक्ट्रॉन की, इसी को क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन नियरली एटम इन सच सेमीकंडक्टर होल्स आर क्रिएट, इसी को जो एक डिफिशियंसी इज कॉल्ड होल्स, इसी डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, विच अट्रैक्ट फ्रॉम वन नियरली एटम, जो एक दूसरे जो पास में है उस एटम से अटैच है या अट्रैक्ट है, इन सच सेमीकंडक्टर होल्स आर क्रिएट बाय टू प्रोसेस, दो प्रोसेस से हो रहे हैं, पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है बाय एडिंग इम्प्योरिटी, जब इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो एक होल्स बचता है, ये बच रहा है ना, और दूसरा क्या होगा, बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन जर्मेनियम जर्मेनियम एटम, जर्मेनियम जर्मेनियम एटम के बीच में कहां है ये, देखो यहां पे जब इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक होल बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो यहां का होल ये एक टाइप ये हो गया और दूसरा टाइप ये हो गया, ओके, तो यही लिखा है टू टाइप वेयर एज इलेक्ट्रॉन आर क्रिएट ओनली वन प्रोसेस ड्यू टू एडिंग इंप्योरिटी ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये थोड़ा गलत लिखा है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देयर आर लार्जर नंबर ऑफ होल्स ड्यू टू एडिंग इंप्योरिटी, यहां पे होता है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको सही करते हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में, जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच में, जर्मेनियम के बीच में, जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच में, ओके, क्यों कहां वाला, ये वाला, ये वाला, ये इनके बाद जब होल्स भी बनेगा यहां से इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम लोग, ओके, जर्मेनियम जर्मेनियम एटम देयर आर लार्जर नंबर ऑफ होल्स, यहां पे क्या है, लार्जर नंबर में कौन है, होल्स हैं, मेजॉरिटी लार्जर नंबर ऑफ होल्स सिंस मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव का, हेंस दोस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर हो गई चीज, यहां पे थोड़ा करेक्शन था वो हमने कर दिया है कि व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी सच एज एल्युमिनियम इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो एल्युमिनियम के थ्री कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है जर्मेनियम से और इसके पास एक डिफिशियंसी रह जाती है, उस डिफिशियंसी को बोलते हैं होल्स, अब यहां पे इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं दो प्रोसेस से, बाय एडिंग इंप्योरिटी बाय ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन जर्मेनियम जर्मेनियम एटम वेयर इलेक्ट्रॉन क्रिएट ओनली वन प्रोसेस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट BRE हुआ, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जर्मेनियम जर्मेनियम एटम के बीच देयर आर लार्जर नंबर ऑफ होल्स देन इलेक्ट्रॉन सिंस मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब इन दोनों चीजों को हमने पढ़ लिया, उसके बाद आता है इन्हीं दोनों को मिलाकर के बनता है एक जंक्शन जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड क्या होगा, पी टाइप मटेरियल जो क्या होता है, अच्छा यहाँ एक चीज और, ये इसके पास डिफिशियंसी है इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, ओके, और एन टाइप को डोनर एटम, वो डोनेट कर सकता है, अब ये एक्सेप्टर एटम है, ये पी हो गया और ये एन हो गया, ये डोनेट कर सकता है ये एक्सेप्ट कर सकता है, जब इनको ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट में लाते हैं एक तो एक जंक्शन तैयार होगा, यहाँ पे दोनों को अगर पास लाएं तो एक जंक्शन बनेगा जिसको बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन, क्या बोलते हैं, मेटलर्जिकल जंक्शन या पीएन जंक्शन, क्लियर,
और जब ये पीएन जंक्शन बनता है तो ये पी वाले पॉजिटिव चार्ज होल्स जो है इधर जाएंगे और ये इसको क्या करेंगे, डिफ्यूज कर देंगे। तो ये आवागमन इनका ज़्यादा समय तक नहीं रहता, कुछ समय तक रहता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, यहाँ पे, और होल्स कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे। देखो ये चीज़ है, होल्स कहाँ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन यहाँ के कहाँ चले गए, इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव का, यहाँ भी नेगेटिव का। ओके, तो ये अब रिपल करने लगे। वैसे पॉजिटिव चार्ज पी यहाँ है और यहाँ पे भी आ गए, तो ये क्या करेंगे, उसको रिपल करेंगे। तो कुछ दूरी तक ही उसको क्या करते हैं, डिफ्यूज कर पाते हैं। तो जितने रीजन तक ये डिफ्यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इमोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस आर फाउंड। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डोनर और एक्सेप्टर आयंस पाए जाते हैं। ओके, और जब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो यहाँ पे एक बैरियर तैयार हो जाता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या देखो, ये है व्हेन पी एंड एन टाइप मटेरियल ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। देखो जब इनको कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो ये पी हो गया, ये एन हो गया। जब इनको कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो एक जंक्शन तैयार हो जाएगा। तो ये जो जंक्शन बना है इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन। अभी देखो सिंबल बनाते हैं, ये बनाया था मेटलर्जिकल जंक्शन, ये यहाँ पास आएगा तो इसको मेटलर्जिकल जंक्शन तैयार हो जाएगा। क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन इज फॉर्म इन पी टाइप मटेरियल देर आर एक्सेप्टर एटम। पी टाइप में क्या होते हैं, एक्सेप्टर एटम ईच हैविंग अ होल, जिनके पास क्या होता है, होल्स होता है। देखो पी टाइप है, इसके पास होल्स है, और एन टाइप क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एन टाइप इलेक्ट्रॉन। देर आर डोनर एटम ईच हैविंग एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में क्या होंगे, डोनर एटम जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा। एट मेटलर्जिकल जंक्शन द डोनर एटम इन एन टाइप डोनेट देयर एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड गेट आयोनाइज्ड। क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। दीज डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस आर इमूवेबल। ये क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। और जब ये मूव नहीं कर सकते हैं तो ये जो रीजन होता है, जितने रीजन में ये पाए जाते हैं उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। द रीजन अक्रॉस मेटलर्जिकल जंक्शन वेयर दीज इमोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस आर फाउंड इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। समझ गए। अब उसके बाद देखो क्या बना है, ये जंक्शन बना है, इसको बोलते हैं ये बैरियर बना है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। इसी की वजह से आवागमन रुकता है। ओके, तो लिखा है आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन इज ऑल्सो स्टेबलाइज विच इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हो जाता है मेटलर्जिकल जंक्शन के, एक पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन आर ऑल्सो स्टेबलाइज विच इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, जिसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। दिस पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के आवागमन को रोक देता है, ये वाला है। क्लियर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ओके, अब पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, ये पी टाइप, पी का मतलब पूंछ, एन का मतलब नाक। देखो पूंछ और नाक जैसा लग रहा है ये, तो ये पी होता है, ये एन होता है। ओके, अब ओके, उसके बाद देखो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ी, दूसरा कंडक्टिविटी पढ़ी, रेजिस्टिविटी पढ़ी, एनर्जी बैंड पढ़ा, बैलेंस बैंड पढ़ा, उसके बाद टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़े। हमारे कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। उसके बाद कोवेलेंट बांड क्या होते हैं, वीक बांड होते हैं, ठीक है, शेयरिंग से जो बांड बनते हैं उनको कोवेलेंट बांड बनते बोलते हैं, और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बांड बनते हैं उसको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बांड या आयनिक बांड। उसके बाद ये पढ़ा, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा। ओके, पी टाइप हो गया, उसके बाद पी एन जंक्शन डायोड पढ़ा, और फिर उसका सिंबल देखा। ओके, थैंक यू क्लास।